एक हिंदुस्तानी बहू का सही कर्तव्य क्या होता है? आपने बदर सबसे पहले दबाया, तो जवाब भी आप ही दीजिए। हिंदुस्तानी नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो अपने पूरे परिवार को बांधे रखे, छोटों से प्यार और बड़ों का आदर करे, अपने हर सदस्य के सुख और दुख को समझे, हर मुश्किल में अपने परिवार का साथ दे, मन में कोई भी कड़वाहट ना रखते हुए पूरे परिवार को अपनाए रखे, गलती होने पर बेझिझक माफी मांग ले और माफ भी करते। और ये सब चीजें तभी संभव है जब घर की बहू तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो, समझदार हो और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आपने बिल्कुल सही जवाब देके हमें लाजवाब कर दिया है। गहना भाभी, वेरी गुड। और इसी एक पॉइंट की बढ़त के साथ आप जीतती हैं ये राउंड। इंतजार कीजिए, हम जल्द ही ग्रैंड फिनाले में पहुंचने वाली टीम का नाम अनाउंस करेंगे। भाभी ये लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कंपटीशन में क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे पता था आप ही जीतोगे। ओए, ये क्या किया तूने? हाथ आया, मौका गवा दिया। ये सब तने जानबूझ के किया ना लवली? जवाब आते हुए भी तने जवाब ना दिया, क्यों? So proud of you. कहना बहू, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम जानते थे कि तुम्हारे अलावा इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। अब तुम सब कुछ संभाल लोगी। आज सास से एक गलती क्या हो गई? तुम्हें तकलीफ होने लगी? और बिट्टू भाई साहब की गलतियों के बारे में सोचा? उनके कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा उसके बारे में सोचा? नहीं भाभी, मैं बड़े भैया की बुराई नहीं कर रही थी। तुम्हारी चाची के पास सिर्फ अपने बच्चों के लिए समय है। कल से हमारे बच्चों को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। कौशिक परिवार की पांचों बहुएं एक दल में नहीं है। एक दल में हम और हमारी देवरानी रिया है। हमारा तरीका अपनाकर हमें बर्बाद करने वाले दुश्मन घर में तो है, तो कोई कैसे जीत सकता है रिया? कैसे जीत सकता है रिया? अब आज के राउंड का रिजल्ट आपको बताएंगे हमारे जजेस। तो आज के हमारे इस राउंड की विजेता टीम, जिन्होंने सबसे अधिक पॉइंट्स यानी कि 28 पॉइंट्स कमाए हैं, और इसी के साथ वही टीम हमारे ग्रैंड फिनाले में जाने वाली है। तो वो टीम है कौशिक की खस्ता कचोरिया। और ग्रैंड फिनाले में जाने वाली दूसरी टीम है आरती के मिर्ची बड़े। अरे जेफा! अब तक 25 पॉइंट स्कोर करके ये बहु ओलंपिक्स की सेकेंड हाईएस्ट टीम है। अरे गहना की बच्ची, देख लेना अगले राउंड में ना हरा दिया तो मारा नाम भी आरती ना है, उठ के कसम आओ। भंडारी की बाटिया टीम और कौशिक की करारी कचोरी टीम, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहु ओलंपिक्स में आपका सफर यहीं खत्म हुआ। अजी ये कौन सी बातें पकड़ के कसम शिपू? ये तूने अच्छा नहीं किया लवली, वरना ग्रैंड फिनाले में ना हम ही लोग होते। हाँ भाभी, मेरी बात तो सुनिए बस लवली, हम ना तो कुछ कहेंगे ना हम सुनेंगे। Thank you.
कॉन्ग्रेट्स, आप देख लेना ग्रैंड फिनाले आप ही जीतेंगी। और वो जो आरती की टीम है ना, उनको तो मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज का राउंड यही समाप्त हुआ। अब हम कल मिलेंगे ग्रैंड फिनाले में। बहु ओलंपिक्स की ये आखिरी प्रतियोगिता होगी एक फुटबॉल ग्राउंड में, जहां आरती के मिर्ची बड़े और कौशिक की खस्ता कसोरी टीम के बीच होगा एक फुटबॉल मैच। लवली, तुमने बजर पर से हाथ क्यों उठाया? तुम अच्छी तरह से उत्तर दे सकती थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि करंटिया और निम्मी बहू क्या सोचेंगी? कैसे करोगी उनके गुस्से का सामना? मासा, आप चिंता मत कीजिए, मैं निम्मी भाभी और करंटिया भाभी को समझा लूंगी। आज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था कि गहना भाभी को एक हिंदुस्तानी बहू का सबसे बड़ा कर्तव्य याद है या नहीं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको सब कुछ याद है। लवली, एक हिंदुस्तानी बहू गुस्से में आकर के अपने कर्तव्य से भटक सकती है, लेकिन वो उसे भूल नहीं सकती। आज नहीं तो कल गहना बहू को इस बात का एहसास हो जाता, लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि हमारे लिए ये प्रतियोगिता जीतना कितना जरूरी है, और इसके लिए तुम्हारा अंतिम दौर तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अब देख लेना, हम तीनों मिलकर के ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे। मासा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जिंदगी की हर कसौटी पर आप हमेशा खरी उतरी हैं, और देख लेना इस बार भी आप ही जीतेंगी। और आप अकेली कहाँ हैं? गहना भाभी, रिया भाभी है ना आपके साथ? लेकिन लवली बहू, तुम मासा, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपके साथ ना खड़े होते हुए भी हम तीनों आपके ही साथ हैं। और देखना, कल फाइनल राउंड में आपकी पांचों बहुएं आपके साथ होंगी और आप जीतेंगी, पक्का जीतेंगी। मासा, कहना बहू तुम? मासा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मासा, आपकी बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी हम नहीं निभा पाए। गुस्से में हमने निम्मी और करंटिया को ना जाने क्या क्या कह दिया। बोलो बोलो, क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? अलवली, तुम छोटी होकर भी तुमने बड़प्पन दिखाया, मुश्किलों में अपने परिवार को जोड़े रखना चाहा, लेकिन हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हमें क्षमा कर दो, मासा, हमें क्षमा कर दो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और आप हमसे बड़ी हैं, आप ऐसे मत कहिए या आप पूछिए। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अपनी गलतियों को समझकर, उनसे सबक लेकर, उनको भूलने में ही समझदारी है। अम्मा साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा। बेटे, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला थोड़ी कहते हैं। मैंने थारे को कहा था ना, थारी संस्कारों की नींव बहुत मजबूत है। जी अम्मा साहब, हमारे संस्कार और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार को विपत्तियों से बचाएगा। अब चिंता छोड़ो, आराम करो, सब चोखो है। जी अम्मा साहब, अब हम भी चलते हैं। चलिए भाई। जिस तरह से गहना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अगर उसी तरह से निम्मी बहू, रिया और करंटिया को भी समझ में आ जाए तो ये जो तनाव है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा।
छोटी सी गलतफहमी ने हमारी सोच बदल दी। हमें निमी और करंटिया से भी माफी मांगनी है। नहीं भाभी, आपका ऐसे माफी मांगना उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बस सब कुछ भुला के उन्हें गले लगा लेना, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलिए। लवली से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो हमारे साथ ऐसा करेगी मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं क्या गुट्टी पिला रही कहना भाभी ने, एन मौके पे गिदगिट के जैसे ऐसे रंग बदला कि हम जीतते जीतते हार गए। भाभी ओ, असल में तू इनकी टीम में है और हमारे साथ देने का सिर्फ दिखावा ही कर रही थी, है ना? घर का भेदी लंका ढाए धोखेबाज, गलती तो हमसे हुई थारे पे भरोसा करके। अपने दम पे खेलते ना निमी भाभी तो ऐसे मुंह के बल ना गिरना पड़ता हमें। सही कह रही भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। जैसी भी बात है हमें समझ में आ चुकी है, और तू हमें समझाने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही है? जाना उनके पास, तैयारी कर रहा हूं उन्हें जिताने की। और नहीं तो क्या, हम लोग तो ना हार के भी खुश हैं। कम से कम हमारा दिल और हमारी नीयत दोनों साफ है। हम अंग्रेजों की तरह नहीं है, वोट डालो और राज करो, ऐसी ओछी हरकत नहीं करते हम। हाँ, आप गहना भाभी को ताने क्यों दे रही है? इस पे उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं लवली, गलती हमारी है, ये कड़वाहट हमारी ही दी हुई है, और जब तक ये कड़वाहट दूर नहीं हो जाती हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। घेना भाभी, भाभी आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसीलिए वो आपसे माफी मांगने यहाँ पर आई थी, लेकिन आप दोनों ने तो लवली तो गहना भाभी की वकालत करना छोड़ और अपनी फिक्र कर। सच पता, जानबूझ के हारी है ना तू? हाँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। देखा, मैंने तो पहले से ही पता था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए परिवार को वापस जोड़ने के लिए। मुझे गहना भाभी को उनकी गलती का एहसास करवाना था और उन्हें एहसास हुआ और वो यहाँ तक आई आपसे माफी मांगने के लिए, लेकिन आपने आपने उन्हें उल्टे पैर वापस लौटा दिया। क्योंकि उन्होंने अपनी गलती समझने में ना बड़ी देर कर दी, और तूने भी कोई समझदारी का काम नहीं किया। उन्हें फाइनल में पहुंचा कर तूने भी बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो फाइनल जीत नहीं पाएंगे। अरे उन्हें जिताने से पहले इतना तो सोच लेती कि वो अपनी चोट के साथ कैसे खेलेंगे फुटबॉल, हार जाएंगे आरती की टीम से, और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और नहीं तो कि हमें हरा कर ना तूने अपने परिवार को जोड़ा नहीं है, बल्कि अपने परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ना कभी वो बहु ओलंपिक जीतेंगे, ना हमारा टैक्स माफ हो पाएगा। वैसे भैया, आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि स्पेन जीतेगा, और देखा आपने, स्पेन जीत गया। अरे इटली विटली की टीम ना टिक नहीं सकती स्पेन के आगे। कार्तिक, यूरो कप खत्म हो गया ना, हमारे यहाँ क्या चल रहा है? बहु ओलंपिक, और उसमें जो फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर ध्यान दो। हाँ, हमें ये मैच हर हाल में जीतना है, क्यों भैया? कुछ कहने आए थे? कह दीजिए, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। कार्तिक,
कहने सुनने के लिए बचा ही क्या। और जी मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई साहब से माफी मांगनी थी। बेटो यहाँ आओ। जाओ जाओ। तुम्हें जो बोलना था बोल दिया ना तुमने, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फुटबॉल मैच होने वाला है ना, चलो तैयारी करते हैं। और जी भाई साहब मैं आप सबकी मदद कैसे कर सकता हूँ, और जी हमारी टीम तो हार ही गई है ना। बिट्टू जो टीम हारी है वो हमारे घर की है, और जो टीम जीती है वो भी हमारे घर की है, तो सारी टीमें हमारी हुई ना। हाँ और जी भाई घर की किस्म बिट्टू जी से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, और जी जोश जोश में ये भी भूल गए कि भले ही दो टीमें हो परिवार तो एक ही है ना। और जी वैसे भी मासा जी जिस टीम में हो वही तो बेस्ट होगी ना। अजी भाई साहब हमें हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अजी भाई साहब मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बिट्टू अब रोना बंद करो, देखो गलती तो हमारी भी है, हमारे जो दिन भर का तनाव होता ना उसकी सारी भड़ास हम तुम पर निकाल देते हैं, तो गलती तो मेरी भी हुई। हाँ तो सॉरी। अगर ये राम और भरत का मिलाप हो गया हो तो इस लखन को भी गले लगा लो, मैं भी आप ही लोगों की टीम में हूं। मान जाइए, कहना भाभी को माफ कर दीजिए। देखिए ना बिट्टू भैया और उत्कर्ष भैया ने सब कुछ भुला दिया है, तो फिर आप ये दिल में बोझ लिए क्यों घूम रही हैं? प्लीज मान जाइए। पहले मैं आपको फुटबॉल के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बॉल ड्रिबल और पास करना सीखना होगा। लेकिन ये ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिबल मतलब मासा बॉल को नीचे रख के, हाँ। अगर कोई दूसरा इंसान आपसे बॉल छीनने आए, दूसरी टीम का इंसान, तो उसको चकमा देकर गोल मारना। ये गोल पोस्ट है, ये दोनों जूते मैंने गोल पोस्ट बना दिए मासा, और हमें बॉल को ड्रिबल करते हुए दूसरे गोल पोस्ट में गोल दागना है, बिना किसी प्लेयर को छुए हुए सीधे गोल दाग सकते हैं। Okay. चलो मैं गोलकीपर। जी ये ऑपोजिशन का गोल पोस्ट है, उन्हें इस साइड गोल करना है, तो आपको ये गोल बचाना है। देखो हम ना यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जो भी बॉल आएगी हम उसको बचा लेंगे। ये बॉल जो है इस मैदान की बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए वरना फाउल होता है। क्या होता है? फाउल मतलब गलती। अगर हम कोई गलती करेंगे खेल खेलते वक्त तो उसका एडवांटेज दूसरी टीम को मिलेगा। आप सिर्फ गोल गोल करने पे फोकस दीजिए। अच्छा ठीक है।
निन्नी और करंटिया भाभी को छोड़कर पूरा परिवार साथ है। अगर ये प्रतियोगिता जीतनी है तो मुझे अपने पूरे परिवार को एक साथ लाना होगा। पांच